आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का सिवनी जिले में पैंच नेशनल पार्क, वास्तव में पैंच नेशनल पार्क घूमने लायक एक जगह मानी जा सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। टूरिया का ये गेट पैंच नेशनल पार्क के अंदर और सारी जिप्सियां तैयार खड़ी हैं सुबह राइड के लिए, एक लाइन से कतारबद्ध जिप्सियां बहुत ही अनुशासित तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। जिप्सी संचालक भी नियम कायदों का पूरा पालन करते नजर आते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पैंच नेशनल पार्क देश विदेश में अपनी अलग छवि बनाए हुए है, ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका कारण ये है कि भेड़िया बालक, आपने सुना होगा भेड़िया बालक का नाम, रुडयार्ड किपलिंग एक बहुत घुमंतू पत्रकार, बहुत ये कहा जाए कि प्रसिद्ध घुमंतू पत्रकार हुआ करते थे। उनके द्वारा एक नॉवेल लिखी गई थी जंगल बुक, उसका हीरो मोगली था और मोगली जो कैरेक्टर था वो वास्तव में जीवंत था, सिवनी जिले में था। इस तरीके की बात भी आती है, कई जगह सुनाई पड़ती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। छोटा सा हिरण का शावक यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही छोटा सा शावक यहाँ अकेला, इसकी माँ शायद शेर या बाघ या तेंदुए का शिकार हो चुकी है, ये अकेला यहाँ पर घूम रहा है, जो पर्यटकों के द्वारा बताया गया। इस शावक के बहुत छोटा सा यहाँ आपको दिख रहा होगा एक हिरण का बच्चा, और बताया गया कि इसी के इस क्षेत्र के आसपास ही बाघ का मूवमेंट दिखाई दिया था एक दिन पहले, और संभवतः उसकी माँ का शिकार बाघ के द्वारा कर लिया गया होगा। ये छोटा सा एक हिरण का बच्चा अब जद्दोजहद में है कि किस तरह से उसका जीवन यापन होगा या किसी जंगली जीव का ये निवाला बन जाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस तरीके के नजारे पर्यटकों को रोजाना ही लगभग दिखाई दे जाते हैं। यहाँ आपको हिरण का एक छोटा सा शावक, हिरण बहुतायत में है यहाँ पर, और स्पॉटेड डियर जो धब्बे वाले हिरण यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, बहुत छोटा सा शावक और घास आपको खाता हुआ यहाँ पर दिख रहा होगा। पर्यटकों को वाकई बहुत आनंद की अनुभूति होती है, रोमांच की अनुभूति होती है जब वे पैंच नेशनल पार्क के अंदर भ्रमण के लिए जाते हैं। पैंच नेशनल पार्क अगर आपको घूमना है तो आप पैंच नेशनल पार्क की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं आपके लिए कब यहाँ घूमना मुफीद होगा। एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, एक छोटा सा और शावक यहाँ दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही छोटा सा शावक अपनी जीजिविषा शांत करता हुआ दिख रहा होगा। आप समझ पैंच नेशनल पार्क की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कब आपको घूमने के लिए जिप्सी कब उपलब्ध है, राइड कब उपलब्ध है, रुकने के लिए आसपास कहाँ जगह उपलब्ध है, इसे भी देख सकते हैं। वैसे पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि पैंच नेशनल पार्क में निर्माण बहुत तेज गति से चल रहा है, बहुत सारे रिसोर्ट यहाँ बन रहे हैं, कंक्रीट जंगल खड़ा किया जा रहा है, जो चिंता की बात मानी जा सकती है। पैंच पार्क प्रबंधन को इस ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। छोटा सा शावक अकेला ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। कितना सुंदर और रोमांचकारी नजारा यहाँ नजर आ रहा होगा पैंच नेशनल पार्क के आसपास। अगर आपके खेत हैं और कुएं हैं तो कुएं बिना मुंडेर वाले, बिना पार वाले कुएं ना रखें, जंगली जानवर इसमें गिर सकते हैं। इसके साथ ही अगर पैंच पार्क प्रबंधन आपको कोर एरिया में तो आप नहीं रह सकते, बफर एरिया से विस्थापित होने के लिए अगर आपको कह रहे हैं तो आप वहां से विस्थापित जरूर हो जाएं, क्योंकि ये जंगली जानवर अगर हैं तो पर्यावरण सुरक्षित है। पैंच पार्क प्रबंधन को भी चाहिए कि यहाँ जिस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं और डेस्टिनेशन मैरिज शादी ब्याह जिस तरीके से हो रहे हैं, गाजे बाजे बजाए जा रहे हैं, बहुत तेज शोर हो रहा है, उस पर लगाम लगाई जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए यहाँ पर हिरणों का
समूह आपको दिखाई दे रहा होगा। जंगल के अंदर कितना सुंदर नजारा देखने को मिलता है, ये बात समझी जा सकती है चित्रों में, वीडियोस में आप देख सकते हैं, पर अगर आप इन दृश्यों को अपनी नंगी आंखों से देखेंगे तो आप रोमांचित हुए बिना शायद ही रह पाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। कितना सुंदर नजारा सुबह सवेरे हम आपको दिखा रहे हैं, कोहरा भी होता है, सर्दी भी होती है, धूप भी होती है, बारिश भी होती है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। कितने सारे हिरण एक साथ यहाँ पर आपको खड़े दिखाई दे रहे होंगे, वास्तव में बड़ा रोमांचकारी नजारा यहाँ नजर आता है। कितनी पूरी की पूरी हिरणों की फौज यहाँ पर खड़ी हुई है। यहाँ पैंच पार्क प्रबंधन के सूत्रों का कहना है कि पैंच के कुल जो कुल रकबा है, कुल क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में महज 15 से 20% हिस्से में ही पर्यटक घूम पाते हैं, बाकी जगह जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित है। और ये देखिए यहाँ पर एक बंदर बैठा हुआ एक छोटे से पौधे से पत्तियां चुन चुन कर खा रहा है। वास्तव में इस तरीके के नजारे देखना अपने आप में रोमांच से कम नहीं होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। कितना सुंदर नजारा, और एक बैठा हुआ एक काले मुंह का बंदर, हालांकि इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं, लंगूर इसे नहीं कहा जा सकता, काले मुंह का ये बंदर है, लंगूर थोड़ी सी इनकी, जैसा वन विभाग के सूत्र बताते हैं कि उसकी ऊंचाई हाइट इससे थोड़ी सी और ज्यादा होती है। बैठकर कितने मजे से धूप में पत्तियां खाता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। आपको अगर पैंच नेशनल पार्क भ्रमण करना है तो सबसे समीपस्थ हवाई अड्डा नागपुर और जबलपुर है, एयर स्ट्रिप सिवनी जिले में भी है, छिंदवाड़ा में भी है। इसके अलावा अगर आप रेल मार्ग से पैंच नेशनल पार्क पहुंचना चाहते हैं तो आप नागपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट यहां से पहुंच सकते हैं। सिवनी में भी रेल मार्ग अब आरंभ हो चुका है तो आप सीधे सिवनी में भी पहुंच सकते हैं। जिला मुख्यालय सिवनी से महज 55-60 किलोमीटर की दूरी पर टुरिया गेट है, एक गेट सिवनी जिले में कर्माझिरी का है और जमतरा का गेट छिंदवाड़ा जिले में है। पैंच नेशनल पार्क की अधिकृत वेबसाइट पर ही जाकर आप कितने सारे हिरण एक साथ यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। वास्तव में ऐसा नजारा देखकर सैलानी रोमांचित हुए बिना नहीं रहते हैं। आपको अगर पैंच नेशनल पार्क में भ्रमण करना है तो पैंच नेशनल पार्क की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपनी मन माफिक तारीख में देख सकते हैं कि आपको राइड उपलब्ध है कि नहीं। कोर एरिया की राइड के साथ ही बफर में भी राइड उपलब्ध होती है, बफर की राइड 12 महीने जारी रहती है। इसके अलावा नाइट में भी, रात्रि में भी आपको बफर एरिया में घुमाया जाता है। बाकी पूरी जानकारी आप पैंच नेशनल पार्क की आधिकारिक वेबसाइट से ले सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही है। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।